अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एस सी लर्निंग। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि वो इंग्लिश बोल सकें और लिख सकें अच्छी तरह से। ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है। इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपकी इंग्लिश एफिशिएंटली इंप्रूव हो सके स्पोकन में और राइटिंग में। सबसे पहले जो वर्ड आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग, इस वर्ड का मतलब क्या है? इस वर्ड का मतलब है कि आपको जब कोई सडनली आपको कोई टॉपिक असाइन किया जाए, आपको कोई डिबेट असाइन की जाए कि आपने इसके ऊपर बोलना है या लिखना है इसके ऊपर, तो आप अपने दिमाग के तखयलात को कितने बेहतरीन तरीके से कागज़ के ऊपर या कंप्यूटर के किसी प्रोग्राम के ऊपर मुंतकिल करते हैं, इसका नाम ब्रेनस्टॉर्मिंग। जब आपको कोई टॉपिक असाइन किया जाता है लिखने के लिए या उस डिबेट करने के लिए कोई चीज़ आपको असाइन की जाती है, तो उस चीज़ों को लिखने के लिए या बोलने के लिए आपको कुछ टिप्स की ज़रूरत होती है, इम्पोर्टेंट टिप्स। अगली स्लाइड हमारी इसी के ऊपर है। क्या मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ और मैं लिख सकता हूँ? इसका आंसर है जी हाँ, आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं और लिख सकते हैं। क्योंकि एक आम बंदे के पास भी, जो कि 9th-10th का स्टूडेंट हो, उसके पास भी काफ़ी अच्छी वोकैबुलरी होती है। तो क्या वो जब उसको आर्टिकल या ऐसे दिया जाता है तो क्यों वो इतना कंफ्यूज हो जाता है? क्यों उसके पास 2-3 पैराग्राफ लिखने के बाद वो सोच में पड़ जाता है कि आइया मैं इसके बाद क्या लिखूँ, इसके बाद क्या लिखूँ, इसके बाद क्या लिखूँ? इन सारी चीज़ों का हल इसी वीडियो के अंदर आपको मिलेगा। वीडियो को एंड तक देखें। तो हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड है वो इम्पोर्टेंट टिप्स हैं जो आपके साथ शेयर करनी है ताकि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी तरह से स्पोकन भी इम्प्रूव हो और राइटिंग भी इम्प्रूव हो। सबसे पहले जो टिप है कि आपको पता होना चाहिए उस चीज़ के बारे में, आपको इन्फॉर्मेशन कितनी है, मालूमात कितनी है। मतलब आपको दे दिया गया कि आप लिखिए वाटर प्रॉब्लम के ऊपर ऐसे, लेकिन आपको ये नहीं पता कि एक इंसान की डेली वाटर कंजप्शन कितनी है, उसकी डेली वाटर की नीड कितनी है। जब आप रिसर्च करते हैं, आया वो आप गूगल से करें, फेसबुक से करें या और किसी मीन से करें, मैगजीन से करें, बुक्स से करें, किसी भी मोड से आप जब रिसर्च करते हैं तो आप उसको ढूंढते हैं, आखिरकार आपको आपका जवाब मिल जाता है कि वो 8 गिलास पानी पी ले तो वो उस बंदे के लिए इनफ है। लेकिन ये एक छोटी सी चीज़ है, एक आर्टिकल के सामने ये बहुत छोटी सी चीज़ है जो अभी आपने रिसर्च की कि एक बंदे की डेली नीड कितनी है वाटर की। लेकिन आर्टिकल में तो खाली आप ये नहीं ना लिख सकते कि उस बंदे की डेली नीड 8 गिलास पानी पी ले तो ये उस बंदे की नीड पूरी होगी। नहीं, ये इनफ नहीं है आर्टिकल के लिए। आर्टिकल जब आप लिखने बैठते हैं तो आप उसको कितनी एफिशिएंटली आप उसके उसके टॉपिक को कैसे आप समझते हैं, अपने दिमाग में उसको कैसे लेके जाते हैं और उसको कैसे आप सर्च बार में, सर्च इंजन में कैसे डालते हैं, उसको सर्च करते हैं, ये कितनी एफिशिएंसी से आप करते हैं, अगली सारी चीज़ें उसी के ऊपर हैं। सबसे पहले जब आपको कोई भी टॉपिक असाइन किया जाए, आप उसे अच्छी तरह से समझें कि इस टॉपिक का वो मुझे पूछ क्या रहा है। जैसे वाटर प्रॉब्लम के अंदर वो आपको पूछ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर वाटर प्रॉब्लम कितनी है, कि कैसे किस टाइप्स की हो सकती है, ये क्या इसकी रीजंस हैं, क्या कॉजेज हैं, क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं और क्या फ्यूचर हो सकता है इसका। ये सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो के अंदर मिलेंगी, आप वीडियो का एंड तक देखें। अगली चीज़ जो है कि आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा जो सारा का सारा कंटेंट है, जो मैं चीज़ लिख रहा हूँ, ये मेरी किस टेंस के अंदर है। आया मैं फ्यूचर में लिख रहा हूँ, पास्ट में लिख रहा हूँ या प्रेजेंट में लिख रहा हूँ। जब मुझे ये पता होगा कि मेरे ये प्रेजेंट की प्रॉब्लम है, पाकिस्तान की ये मौजूदा प्रॉब्लम है, इसको मैंने प्रेजेंट टेंस में लिखना है, तो मैं इसको और भी ज़्यादा एफिशिएंटली लिख लूँगा। क्योंकि वोकैबुलरी हर इंसान के पास यकसां होती है, लेकिन उसका यूज़ वो इंसान कैसे करता है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आप वोकैबुलरी को कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे उसको बुरे कार लेके आते हैं एक आर्टिकल लिखने के लिए।
उसके बाद ये दो चीज़ें आपकी राइटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और स्पोकन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन स्पोकन में जब आप स्पोकन शुरू करते हैं, किसी के साथ अपना इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन के टू वेज होते हैं, फॉर्मल वे और इनफॉर्मल वे। लेकिन जब आप उस फॉर्मल वे में किसी के साथ इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं, तो इंट्रोडक्शन शुरू करते हुए हमें कुछ चीज़ों से बचना होता है। जैसे कि आपको किसी की पर्सनैलिटी के ऊपर तनकीद नहीं करनी, किसी की पर्सनैलिटी को आपने क्रिटिसाइज नहीं करना। जैसे कोई लीडर हो सकता है, जैसे कायदे आजम हो सकते हैं, कोई भी लीडर हो सकता है, आप उसकी पर्सनैलिटी को क्रिटिसाइज ना करें, किसी पार्टी को क्रिटिसाइज ना करें, किसी डोमेन को, पब्लिक डोमेन को और किसी बिजनेस डोमेन को आप क्रिटिसाइज ना करें। नंबर सेकंड, आप उस बंदे से उसकी सैलरी ना पूछें, उसकी तनख्वाह ना पूछें कि भाई कितना कमाते हो, ये चीज़ें उसको गुस्सा दिला सकती हैं। नंबर थर्ड चीज़ है, आप उससे उसकी उम्र के बारे में ना पूछें कि भाई आपकी एज कितनी है, हाउ ओल्ड आर यू। ये चीज़ें ये बचपन की थी, अब नहीं है, अब आप मेच्योरिटी की स्टेज में कदम रख चुके हैं। अब आप ये चीज़ें पूछेंगे किसी से तो वो गुस्से में आ सकता है। उसके बाद आपने किसी भी स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी को क्रिटिसाइज नहीं करना। सबसे इम्पोर्टेंट, पॉलिटिक्स के अंदर आपने अपनी डिस्कशन को पॉलिटिक्स की तरफ लेके नहीं जाना। और उसकी एक बात जो इम्पोर्टेंट चीज़ें, आपने रिलीजन के ऊपर नहीं टॉक करना, क्योंकि आपको नहीं पता अगले बंदे का रिलीजन क्या है। वो क्रिश्चियन हो सकता है, वो हिंदू हो सकता है, वो कोई और रिलीजन का बंदा हो सकता है। अगर आप उसके सामने अपने रिलीजन को अच्छा प्रिटेंड करेंगे तो ये उसको गुस्सा दिला सकता है, क्योंकि हर बंदा का रिलीजन अलग अलग हो सकता है। क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके सामने जो बंदा खड़ा है, क्या आया वो क्रिश्चियन है, हिंदू है या किसी और मजहब से ताल्लुक़ रखता है। इसके बाद जब आप उससे अपना इंट्रोडक्शन शुरू करें तो इसके दो तरीके हैं कि वो आपकी इंट्रोडक्शन में कितना इंटरेस्ट ले रहा है। जैसे आपने उससे पूछा हेलो, वो कहता है हेलो। आप पूछते हैं हाउ आर यू, वो कहता है आई एम फाइन एंड यू। वो जब बोले एंड यू, मैं ठीक हूँ और आप सुनाएं, इसका मतलब ये है कि वो आपकी बात में इंटरेस्ट ले रहा है। अब आप कहेंगे आई एम फाइन टू, मैं तो ठीक हूँ, हाउ अबाउट यू, आप सुनाएं आप कैसे हैं। तो ये चीज़ जब वो इंटरेस्ट लेगा तो आपकी इंट्रोडक्शन आगे बढ़ सकती है, नहीं तो आप शॉर्ट तरीके में कह सकते हैं। अगर वो आपकी बातों में इंटरेस्ट नहीं ले सकता तो आप उससे अलहदगी इख्तियार करें, एक छोटा सा सेंटेंस कह के, इट वॉज प्लायर टॉकिंग टू यू, आपसे मिलकर खुशी हुई। वो कहेगा इट वॉज प्लायर टॉकिंग यू ट्यू और सिंपली यू ट्यू। इसके बाद आपकी टॉकिंग खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर वो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहा तो आप उसको कह सकते हैं नाइस टू मीट यू, वो आपको कहेगा नाइस टू मीट यू टू और सिंपली यू ट्यू। ये सब की सब चीज़ें तब होंगी जब वो इंटरेस्ट लेगा, नहीं तो आप सेकंड वाली ऑप्शन पे जा सकते हैं अगर वो बिल्कुल इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा। ये तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन से पहले मैंने आपको बताया था कि आपने किन चीज़ों से उसके किन चीज़ों की तरफ आपने नहीं जाना, तो आपका इंट्रोडक्शन बहुत बेहतरीन हो सकता है। उसके बाद जो अगली चीज़ है कि आपको जो एप्लीकेशन लिखने के लिए दी जाती है उसके अंदर आपने आजिज़ी वाले लफ्ज़ जैसे रिस्पेक्टफुली, सिंसेयरली, ओबीडियंटली, इस तरह के वर्ड्स आपने इस्तेमाल करने हैं, जिससे पता लगे कि आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई ये चीज़ मुझे दे दो, ये मेरे साथ गलत हुआ है, इसका मेरे मदावा करो। आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो आपसे बड़ा है, आपने उसको रिक्वेस्ट करनी है कि आप भाई आप मेरे साथ ये नाइंसाफी हुई है, आप इसका मदावा करें या मेरे मुझे ये चीज़ दे दें या मेरी ये चीज़ माफ़ कर दें, मुझे फॉरगिव कर दें। आपने उसके अंदर आजिज़ी वाले, रिस्पेक्ट वाले और अल्फाज वर्ड्स इस्तेमाल करने हैं उसके अंदर। सेकेंडली, आपने टेंस का बहुत ख्याल रखना है, चाहे आप लेटर लिख रहे हो,
एप्लीकेशन लिख रहे हो, ऐसे लिख रहे हो, या स्टोरी लिख रहे हो, या आर्टिकल लिख रहे हो, आपका टेंस आपका मेजर थीम है जो अगले बंदे को एक आपका थीम प्रोवाइड करता है कि ये बंदा मुझे क्या मैसेज कन्वे कर रहा है। वो आपके सेंटेंस से ही थीम लेगा, उस आपके सेंटेंस से ही वो मतलब अखज करेगा कि ये बंदा मुझे क्या मैसेज कन्वे कर रहा है और मुझे इसमें से क्या चीज़ अखज करनी है। इसलिए आपकी सेंटेंस मेकिंग बहुत ज़बरदस्त किस्म की होनी चाहिए और उसके अंदर टेंसेस का काफ़ी ध्यान रखना है आपको। नंबर सेकंड, लेटर। लेटर, ये लेटर बड़े बिजनेस डोमेन्स में लिखने के लिए लिखे जाते हैं, या फिर ये स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में लिखे जाते हैं। बेसिकली लेटर्स का कोई इतना नॉर्मल लाइफ में कोई इतना खास यूज़ नहीं होता, या तो ये बिजनेस डोमेन्स में या किसी भी फर्म्स या इंस्टीट्यूट की तरफ से लिखे जाते हैं, या फिर ये कॉलेजेस और स्कूल्स में पढ़ाए जाते हैं। इन लेटर्स का मेन जो पर्पस होता है वो ये होता है कि आप अगले बंदे को एक अच्छा कंक्लूजन उसको आप पेश करते हैं कि भाई मैं ये कह रहा हूँ तुम्हें। जैसे आप अपने छोटे भाई को लेटर लिखते हैं कि भाई तुम साइंस के मजामीन को सिलेक्ट करना अगर तुम मैट्रिक मार्टिकुलेशन एग्ज़ाम में अपीयर हुए तो आप उसको कंक्लूड कर रहे हैं अपनी बात को कि मेरी मैंने साइंस सब्जेक्ट आपको क्यों आपके लिए मैंने सजेस्ट किए, क्या रीजंस हैं इसकी कि मैंने आपको ये सजेस्ट किए कि आपने यही सब्जेक्ट पढ़ने हैं। आप आर्ट्स के सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हो, लेकिन आप उसको क्यों सजेस्ट कर रहे हो, आपने उसकी बात अपनी उस लेटर में कंक्लूड करनी है, उसकी अपनी अपनी आप समराइज करते हो अपनी बात को, सारी की सारी बात को समराइज करते हो। इसके बाद इसके अंदर आपने टेंस का काफ़ी ध्यान रखना है, स्ट्रक्चर, सेंटेंस की स्ट्रक्चर मेकिंग के ऊपर काफ़ी आपने ध्यान रखना है। अगली जो चीज़ है हमारी वो है आर्टिकल। आर्टिकल, वो आर्टिकल आप प्रो लेवल के आर्टिकल लिख रहे हो या आप किसी स्कूल कॉलेज की तरफ से कोई आर्टिकल लिख रहे हो, आर्टिकल का जो मेजर चीज़ होती है कि आपके पास इस चीज़ के बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन है। आर्टिकल 2 से 3 पैराग्राफ का नहीं हो सकता। अगर आप स्कूल के बच्चे हैं तो आपके मिनिमम 4 शीट की रिक्वायरमेंट बोर्ड की तरफ से है कि आपने इतना आर्टिकल लिखना है। आर्टिकल को ऐसे भी कह सकते हैं। इसके बाद आपने, अगर आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं तो आपको 6 to 8 शीट की रिक्वायरमेंट है ऐसे लिखने के लिए। लेकिन अगर आप हायर लेवल के आर्टिकल लिख रहे हैं तो आपको तकरीबन 4 to 5,000 वर्ड्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब आप सब परेशान होंगे कि 4 से 5,000 वर्ड्स कहाँ से आएंगे। ये 4 से 5,000 वर्ड तभी आएंगे जब आपको उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, मालूमात होंगी उस चीज़ के बारे में आपको, तभी आप उसके ऊपर लिख सकते हैं। जैसे मैं आपसे बात करता हूँ कि आप सब मुझे बताएं कि पाकिस्तान में वाटर प्रॉब्लम है, आप वाटर प्रॉब्लम को किस तरह डिफाइन करते हैं। आप, हर किसी का मोड अलग-अलग होगा डिफाइन करने का, क्योंकि हर किसी की रिसर्च अलग-अलग है इस टॉपिक के ऊपर। कोई बंदा शुरू कर सकता है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा वाटर प्रॉब्लम है, वाटर शॉर्टेज काफ़ी है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर जो IMF क्लेम करती थी 1951 में कि पाकिस्तान के एक बंदे को 5100 क्यूबिक मीटर पानी की रिक्वायरमेंट है, लेकिन हमें 5100 क्यूबिक मीटर पानी नहीं मिलता है, कोई और राय पेश कर सकते हैं आप, क्योंकि आप सबकी ऑब्जर्वेशंस रिसर्च इस टॉपिक के ऊपर अलग अलग है हो सकती है। तो आपने टॉपिक आर्टिकल लिखते वक्त आपने उसको काफ़ी सर्च करना है उस आर्टिकल के बारे में, आपको कुछ नई चीज़ें, कुछ नए
मोड्स आपको मिलेंगे, कुछ नए मीन्स मिलेंगे रिसर्च में जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकते हैं। आपने उस सबसे पहले उस आर्टिकल के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है, रिसर्च करनी है। जितनी आपकी रिसर्च इतनी अच्छी होगी उतना आपका आर्टिकल अच्छा होगा, जितनी आपका ऐसे की रिसर्च अच्छी होगी उतना आपका ऐसे बेहतरीन होगा। रिसर्च काफ़ी करनी है आपने। उसके बाद मैं पूछता हूँ आप उस कॉजेज, हर बंदा इसके कॉजेज अलग अलग एक्सप्लेन कर सकता है। कुछ कहता है पोल्यूशन, कोई कहता है पोल्यूशन इसका सबसे बड़ा कॉज है, कोई कहता है हमारी इंडस्ट्रीज इसका बहुत बड़ा कॉज है, कोई कहता है हमारा एग्रीकल्चर इसका बहुत बड़ा कॉज है। क्योंकि सबके पॉइंट ऑफ व्यूज, सबकी ऑब्जर्वेशंस, सबकी रिसर्च के मेथड अलग अलग हैं, तो सबके सब अलग अलग कंक्लूड करेंगे इस ऐसे को। लेकिन हैरानगी की बात है कि सबका कंक्लूजन सेम होगा कि हमें ये चीज़ें अपनानी चाहिए, एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए। सबके सब यही कहेंगे कि हमारा सीवेज का सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए, ताकि हमारा जो सीवेज का वाटर है वो हमारे वाटर टेबल के अंडरग्राउंड वाटर टेबल के साथ मिले ना और उसे गंदा ना करे। सबके सब यही कहेंगे कि हमें ग्रीन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को फ़र्वा देना चाहिए, जितना ग्रीन एग्रीकल्चर होगा उतना हमारा वाटर साफ होगा। सबके सब यही कहेंगे कि आप इंडस्ट्रीज़ के जो पानी है, जो गंदा पानी, जो गंदा फुजला वो खारिज करते हैं, जो वेस्ट को वो डिस्पोज करते हैं, उसके अंदर से टॉक्सिक सब्सटेंस को निकाल देना चाहिए। सबकी सबका कंक्लूजन यही है होगा, 100% सबका कंक्लूजन यही होगा कि जो ऐसी क्या चीज़ें जिनसे हम बचकर हम अपने वाटर की प्रॉब्लम को मिनिमाइज कर सकते हैं। लेकिन सबके सबका रिसर्च का मॉडल अलग, तरीका अलग। तो क्या चीज़ है जो आपको एक कंक्लूजन पर लेके आ रही है? वो है उस आर्टिकल की हेडिंग्स, उस आर्टिकल का थीम, हेडिंग का थीम जो आपको समझ आया और आपने उसके ऊपर लिखा, ये सब का सब क्या है उस आर्टिकल का थीम। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो आर्टिकल का टॉपिक का नेम जो आपको असाइन किया जा रहा है, आपने उसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझना है। जैसे मैंने कहा पाकिस्तान में वाटर प्रॉब्लम कैसी है, अब मैंने वाटर प्रॉब्लम नहीं पूछी पंजाब की, कराची की, केपी की इस्लामाबाद की, मैंने पूछी कि पाकिस्तान की वाटर प्रॉब्लम कैसी है। ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं ये आप अगर अच्छी कर लें, आपको पता लग जाए कि वो आपसे आर्टिकल के अंदर क्या पूछ रहा है और आपकी रिसर्च, आपकी मालूमात उस चीज़ के बारे में काफ़ी हो, तो आप एक बेहतरीन आर्टिकल लिख सकते हैं और उसको बेहतरीन तरीके से कंक्लूड भी कर सकते हैं। अगली जो चीज़ है वो हमारी है स्टोरी। ये सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए है, छोटे लेवल के बच्चों के लिए है, आया वो स्कूल लेवल के हों या इंटरमीडिएट के हों, ये उन बच्चों के लिए है कि स्टोरी हमेशा पास्ट टेंस में होती है, गुजरे हुए ज़माने में। इसके अंदर आप वाज वर को इस्तेमाल कर सकते हैं, सेंटेंस मेकिंग आपकी बड़ी बेहतरीन होनी चाहिए। स्टोरी लिखते हुए आपको स्टोरी के बारे में पता होना चाहिए कि मैं अगर इस चीज़ के बारे में स्टोरी लिखता हूँ तो मेरा नतीजा भी ऐसा ही आना चाहिए। जैसे ग्रीड इज कर्स, आप लिखते हैं वंस अपॉन अ टाइम देयर इज अ डॉग ही वॉज हंग्री, आप बताते हैं ही वॉज हंग्री, वो कुत्ता भूखा था, आपने बताया कि वो कुत्ता भूखा था, उसे गोश्त का टुकड़ा मिला, एक कसाई की दुकान से उसने चुराया, उसने खाने लगा तो उसने नदी में अपना अक्स देखा। ये सब की सब चीज़ें पास्ट टेंस में हैं, इसके अंदर आपको आपको वोकैबलरी भी इन्हांस करनी पड़ेगी। जो बंदा जिस लेवल पे लिख रहा है, आया वो आर्टिकल लिखे, एप्लीकेशन लिखे, लेटर लिखे, कुछ भी लिखे, उसे उस लेवल के हिसाब से वोकैबलरी इस्तेमाल करनी है। आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं और आप 5 क्लास की स्टोरी को पढ़ रहे हैं या याद कर रहे हैं या उसकी वोकेबलरी को समेट रहे हैं, तो ये आपके लिए फेयर नहीं हो सकता। इट्स नॉट फेयर फॉर यू बिकॉज यू आर इन अ हायर लेवल, आप एक बड़ी मुकाम पर हैं, आप एक बड़ी जगह पर हैं, आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं, वो 5 क्लास का स्टूडेंट है, आप उसकी स्टोरी नहीं पढ़ सकते। उसकी स्टोरी ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 पैराग्राफ की हो सकती है, आपकी स्टोरी 2 से 2.5 से 3 पेजेस के ऊपर भी जा सकती है। तो बेसिक पर्पज़ ये है
कि आपकी सेंटेंस मेकिंग कैसी है, आपकी वोकेबलरी कैसी है, इन सारी चीज़ों के अंदर अगर आप इन सारी चीज़ों पर अमल कर सकें तो आप एक बेहतरीन आर्टिकल, लेटर, एप्लीकेशन, स्टोरी लिख सकते हैं और आप अपनी स्पोकन को भी बड़े बेहतरीन बना सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप घबराना नहीं है, आपने आपने बिल्कुल नहीं सोचना कि जो आर्टिकल आपको असाइन किया गया है ये बहुत डिफ़िकल्ट है, मैं नहीं कर सकता हूँ इसके अंदर। ये चीज़ आपके अंदर जैसे आ गई कि मैं ये कर ही नहीं सकता, तो आप कभी भी वो आर्टिकल नहीं लिख सकेंगे। लेकिन अगर आप ये ठान लें कि आपने करना है और इसको आपने 100% अश्योरिटी के साथ करना है, तो आप उसको बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकेंगे। तो जो मेरा आखिरी जो मेन आपको थीम है जो मैं आपको प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ, वो यही है कि आपने अपनी सेंटेंस मेकिंग के ऊपर, वोकैबलरी के ऊपर, और जो आप जिस टेंस में अपनी चीज़ को कन्वे कर रहे हैं उस टेंस के ऊपर आपने ध्यान दें, आप इंशाल्लाह स्पोकन भी बेहतर कर सकते हैं और अपना राइटिंग के अंदर, एसे राइटिंग हो गया, लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग या आर्टिकल राइटिंग, इसको भी बड़ा बेहतरीन बना सकते हैं। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आएगी। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हर नई आने वाली वीडियो से अप टू डेट रहें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।